तो ठीक है बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज के पूछो डाउट्स आप अपना अच्छे से क्लियर कर लो, सीक्वेंस एंड सीरीज को एक्सरसाइज टू तक, और जितने भी जो एलडी वेलडी आपके हैं हमने कितने कहां तक कर लिए थे सीक्वेंस एंड सीरीज के, अप टू 76 तक हो गए हैं। ठीक है, तो आप 77 से बात करिए। ठीक है, करणप्रीत सिंह मैं लिख लेता हूँ, 83, 84, 88। अच्छा, इससे पहले जिसके जो बोलना चाहता है वो बोल दो, डाउट्स को एक बार लिख ही लेते हैं सारे, और ग्रुप में आप लोग डिस्कस किया करो तो ज्यादा बढ़िया भी रहेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज को खत्म करते हैं। 81 भी है, 81 भी है, ठीक है जी। और बोलिए, 96 है ईशुक का। और बताओ बच्चों, और किसका कोई डाउट पेंडिंग है? पीछे से पूछना, पीछे से भी पूछ लो, डोंट वरी, जस्ट आस्क फ्रीली। 90, 97, ओके जी, 90, 97, 94 इज द डाउट, 89 इज द डाउट, दैट्स ऑल, 84 इज ऑल्सो द डाउट, 94 इज ऑल्सो द डाउट, 90 तो लिखा हुआ है, 93, 94, 98, 89, 84 सर, सारी काउंटिंग लिख देते हैं, आप सोच के देखिए क्या ये आईआईटी जाने वाली बातें आपकी सबकी, इजंट इट? क्या आप आईआईटी की तरफ जा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं जा रहे। अपनी 84 दो बार लिख, अरे क्या करें भाई, मैं तो खुद परेशान हो गया। बात डाउट की नहीं है, बात ये कि आप लोगों ने जोर नहीं लगाया इस पे। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू द सम। फर्स्ट क्वेश्चन इज 81, किसी को पीछे से पूछना पूछ लेना बेटा, 81 क्वेश्चन है, ठीक है, मान सकते हैं आपसे नहीं हुआ होगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो 81st क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, 81st क्वेश्चन बोल रहा है एक फंक्शन है R2R, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो, ये होता है हमारी डोमेन कि हम फंक्शन में क्या पुट कर सकते हैं, और ये अभी आप इसको समझ लो रेंज, वैसे इसको कोडोमेन बोलते हैं, वो बाद में बताऊंगा। जैसे फंक्शन क्या है R2R, हम फंक्शन में पुट क्या कर सकते हैं, डोमेन, उसको डोमेन बोलते हैं, जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो रेंज, तो इसको लिखते हैं R2R, ठीक है। सच डेट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर एक्स जो रियल नंबर से बिलोंग करे, टू की पावर वन प्लस एक्स कॉमा प्लस टू की पावर वन माइनस एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, डरने की तो बात ही नहीं है, थ्री की पावर एक्स, हर क्वेश्चन को एटीट्यूड से सॉल्व करो, थ्री की पावर एक्स प्लस थ्री की पावर माइनस एक्स, ये एपी में है, ये एपी में है, हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, एफ ऑफ एक्स की, हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है एफ ऑफ एक्स की। अगर ये एपी में है तो ऐसे लिख सकता हूँ, टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर वन प्लस एक्स टू की पावर वन माइनस एक्स प्लस थ्री की पावर एक्स थ्री की पावर माइनस एक्स। देखो क्या ये बात समझ आया? अच्छा, अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, मतलब एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ गया, टू की पावर वन प्लस एक्स टू की पावर वन माइनस एक्स प्लस थ्री की पावर एक्स थ्री की पावर माइनस एक्स बाई टू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? इन्होंने ये नहीं पूछा कि इस एक्स के ऊपर आएगी, इन्होंने पूछा कि आएगी क्या इसकी मिनिमम वैल्यू। वैसे तो ना अब आप ऑरली भी जज कर सकते हो इसको, ऑप्शन से भी देख सकते हो, ये फंक्शन बन गया, इसकी मिनिमम वैल्यू सोच के देखो क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू अगर मैं x को जीरो रखूं, सोच के देखिए x को अगर मैं जीरो रखूं तो क्या बन रहा है, दो दो चार पांच छह, छह बटा दो तीन, देखो अभी तक आप तीन पे पहुंचे, क्या एक बटा दो कभी आ सकता है, क्या दो बन सकता है कभी यहाँ पे दो, मतलब ये चीज चार नहीं बन पाएगी, ये चीज मैक्सिमम जीरो हो सकती है ना, ये चीज जीरो हो सकती है, किसी भी चीज की पावर कर दे तो जीरो हो जाएगा। देखो टू की पावर एक्स क्या होता है, फिर से समझा दीजिए, समझाता हूँ, वैसे तो इसका एग्जैक्ट मेथड करवाता हूँ, छोड़ो, ये एफ ऑफ एक्स बन गया, ये बात मानते हो? अच्छा वेरी गुड, अब ये देखो एफ ऑफ एक्स इसको ऐसे लिख लें, टू इंटू टू की पावर एक्स प्लस टू इंटू टू की पावर माइनस एक्स, क्या कहते हो बेटा?
डिवाइड बाय टू लिख दूं। अब इसको ऐसे लिख दूं, टू बाहर निकाल के टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर वन बाय टू की पावर एक्स। इसको ऐसे लिख दूं, थ्री की पावर एक्स प्लस थ्री की पावर माइनस वन बाय थ्री की पावर एक्स बाय टू। ये बात समझ रहे हो? अच्छा, अब आप सोच के देखिए बच्चों, अब आप सोच के देखिए, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू डाल के इसका मिनिमम आंसर आएगा। Yes. इसको मिनिमम करना है हमें, तो ये भी मिनिमम चाहिए, ये भी मिनिमम चाहिए। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है हमेशा? टू मिनिमम। दो जा दो से बड़ा या माइनस दो जा माइनस दो से छोटा, बट यहाँ पे नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि किसी भी चीज की पावर करके कुछ भी डाल दो आंसर तो पॉजिटिव में ही आएगा ना। यस सर। ये बात समझ रहे बेटा सारे कि आंसर पॉजिटिव में रहता है? तो एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल करके आंसर हमेशा दो जा दो से बड़ा आना था। तो मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? टू। इस फंक्शन की, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू टू डिवाइडेड बाय टू। देखो कितना आंसर बनेगा, सिक्स बाय टू, इस कम्स आउट टू बी थ्री। थ्री मस्ट बी द आंसर, ऑप्शन चेक कर लो। यस सर। थ्री ऑप्शन आंसर। सर मैं ये पूछ रहा था, सर आप बोल रहे थे मिनिमम वैल्यू जीरो रखेंगे, वो कैसे रखेंगे? अरे वो छोड़, तो ये मेथड समझ आ गया, वो तो एक और ही जुगाड़ था। यार जब तुम लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना मैथ की, ऑप्शंस देख के पता लगने लग जाएगा कि आंसर क्या आएगा। समझ रहे हो? ऑप्शंस देख के आइडिया लगने लग जाएगा, विश्वास करो मेरा, धीरे धीरे होएगा ये। बस जो अभी मैं कह रहा हूँ, क्या ये समझ आया बेटा सबको? इसमें ट्रिक पॉइंट क्या थी क्वेश्चन में, कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, देखो ये यही तो चीज है, टू की पावर एक्स प्लस वन बाय टू की पावर एक्स। ये चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू होती है, ये चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू होती है। या मैंने प्रूफ भी करवाया था आपको एएमजीएम के साथ। यस सर। यस। अच्छा समझ रहे हो सारे? इशिता समझ आ रहे हैं? यस सर। वेरी गुड। अच्छा अब जर्नल मैं दोबारा से समझा देता हूँ, जिनको नहीं समझ आया था पहले दोबारा समझ लो, डोंट वरी। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा दो या दो से बड़ा होता है, पहली बात तो, अगर नंबर पॉजिटिव है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, इफ नंबर इज पॉजिटिव then number plus one by number is always greater than equal to two, greater than equal to two। ये बेटा बात समझ आनी चाहिए अच्छे से। और एक number और उसका reciprocal फिर minus two या minus two से छोटा भी होगा, if number is negative, if number is negative। अब यहाँ पे two की power x थी, वो तो हमेशा positive ही होता है ना। आप y इक्वल टू टू पी पावर एक्स का ग्राफ बना सकते हो, y इक्वल टू टू पी पावर एक्स का। yes, तो सारे थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिए, ऐसा बनेगा, यहाँ पे जीरो कॉमा वन आएगा। थोड़ा सोचने वाली बात है बच्चों, थोड़ा सोचने का, पुट कर करके देखो, टू की वन पे टू आंसर, जीरो पे वन आंसर, टू की पावर टू पे फोर आंसर, एक्स की पावर टू, मतलब एक्स को टू रखा, थ्री रखा, फोर रखा। जब आप एक्स को नेगेटिव रखोगे आंसर छोटा छोटा होता जाएगा, एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा। yes, कभी काटेगा क्या एक्स एक्सिस को? कभी काटेगा? कभी काटेगा? नो सर। ये बात समझ आ रही है ना बेटा? देखो ये होते हैं हमारे आंसर्स, इसको हम बोलते हैं रेंज, जो हमारी वाई आती है हमारी आउटपुट, ये क्या होती है हमारी डोमेन। क्या प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो? ये हमारी मशीन है, मशीन इस तरीके से बिहेव कर रही है कि जब मशीन में हम जीरो डाल रहे हैं तो आंसर वन आ रहा है, मशीन में वन डाल रहे हैं आंसर टू आ रहा है, मशीन पे टू डाल रहे हैं तो आंसर फोर आ रहा है, मशीन पे थ्री डाल रहे हैं आंसर एट आ रहा है, मशीन में माइनस वन डाल रहे हैं आंसर पॉइंट फाइव आ रहा है, मशीन में माइनस टू डाल रहे हैं तो समझ रहे हो वन बाय फोर जीरो पॉइंट फाइव आ रहा है। प्रैक्टिकली फील कर पा रहे हो? ग्राफ इज अ प्रैक्टिकल वे टू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। ये जरूरी नहीं है बट ऐसे भी नहीं है कि बकवास चीज है। ग्राफ करना मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है प्रैक्टिक, मतलब पर्सनली मैं अगर आपको बता, मुझे ग्राफ बनाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने टीचर से हमेशा एक ग्राफ मांगता होता था, हर रोज मैं ग्राफ मांगता था, बट इस बैच में किसी को इंटरेस्टिंग बकवास माया। चलो यहीं पे क्वेश्चन आया है तो मैं आपको बता देता हूं, तो इसका ग्राफ बना के सारे ग्रुप में पोस्ट करेंगे। हर रोज एक ग्राफ बनाया करोगे तो आपको मजा आएगा बहुत ज्यादा। अपने आप बनाओ, नेट से मत देखना, खुद मत्था मारो इस पे, टाइम लगाओ घर पे जब आपका फ्री टाइम होता है। हॉबी है, मतलब ये हॉबी से होगा यार, ये ऐसा नहीं है, ये कोई पढ़ाई नहीं है। बात समझ रहे हो ना? ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। yes, ये मतलब जिसको करना है कर लेना, मतलब
एज सच कंपल्सन नहीं है, ये तो प्यार की बात है, ये तो प्यार की बात है। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 81st हो गया, आपको समझ भी आ गया, एंड नाउ इट्स टाइम टू 83। चलो बच्चों 83 क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है 83, एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सोच के देखो मशीन के बारे में, क्या कोई मशीन को समझ पा रहा है कि मशीन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, और इन्होंने लिखा हुआ है एक्स और वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप एक्स को माइनस वन नहीं रख सकते, वाई को जीरो नहीं रख सकते, हम एक्स और वाई को कहां से ले सकते हैं, नेचुरल नंबर से। क्या ये बात समझ आई पहले सब? यस वेरी गुड। अब आप सोच के देखिए बच्चों, इन्होंने कहा हुआ है समीशन एफ ऑफ एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम वन टू इनफिनिटी, टू के इक्वल है, अच्छा देन एन इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, आप इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, एफ ऑफ फोर बाई एफ ऑफ टू की वैल्यू इन्होंने पूछी हुई, एफ ऑफ फोर बाई एफ ऑफ टू की वैल्यू पूछी हुई। हम पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लें, फिर एफ ऑफ फोर बाई एफ ऑफ टू निकाल देंगे, बात समझ पा रहे हो ना, निकालना क्या है, ये मैथ में अगर हमें ये पता लग जाए ना गिवन क्या है, निकालना क्या है, आधा काम तो हो गया समझ, आधा काम तो हो गया समझ। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, वेरी गुड, वंश का हो गया। अब आप सबसे पहला काम तो ये करो कि आप इसको लिखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, हमें इन्होंने लिखा हुआ है ये, इसको समीशन को ओपन करते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है एफ ऑफ वन, फिर समीशन करेगा प्लस, फिर एफ ऑफ टू, फिर समीशन करेगा प्लस, फिर एफ ऑफ थ्री, फिर समीशन करेगा प्लस, अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स, टू के इक्वल है, ये बात समझ रहे हो, अभी मैंने खोल के लिखा है, चलो ओपन करके लिखे, क्या ये बात समझ आई? यस सर। यस की बात कीरत, ये बात समझ आ गई बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब एफ ऑफ वन आप सोच के देखो, टू को क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ टू को वन प्लस वन, वो बनेगा एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ वन, बात समझ रहे हो ना, ये बात समझ आ रही है बेटा? यस यस। तो एफ ऑफ वन का स्केयर बन गया ना, ऐसे ही थ्री को क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस टू, और वो बनेगा एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ टू, वो बने, ये एफ ऑफ वन का स्केयर है तो वो बन जाएगा एफ ऑफ वन का क्यूब, क्या ये बात समझ आई? मैंने जल्दी इसलिए किया कि आप लोग खुद दिमाग लगाओ। Yes, क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस और नो? ऐसे ही सिमिलरली आप ये बता सकते हो एफ ऑफ फोर क्या बनेगा, एफ ऑफ वन की चार पावर, यस सर, एफ ऑफ फाइव क्या बनेगा, एफ ऑफ वन की पांच पावर, क्या ये फील कर पा रहे हो सारे जाने, सच बताओ? एनीवन वांट्स टू मी टू रिपीट, से वन प्लस टू क्यूब कैसे है ये बता दो एक बार, एफ ऑफ, ये मैंने f of 3 निकाला बेटा, f of 3, समझ रहे, 3 को मैंने तोड़ दिया 1 plus 2 में, मशीन yes, कहती है कि आप मेरे अंदर कोई नेचुरल नंबर पुट करोगे 1 plus 2, तो मैं उसको तोड़ दूंगी, f of 1 into f of 2, yes, f of 2 की वैल्यू फिर से ये थी, f of 1 square, तो f of 1 cube बन गया पूरा, okay, sir. ये f of 1 पूरे का क्यूब है, समझ रहे हो ना? अब देखो हमारा फंक्शन क्या बन गया, f of 1 plus f of 1 square प्लस एफ ऑफ वन क्यूब अप टू सो ऑन, किसके इक्वल, टू के इक्वल, क्या अब क्वेश्चन को कर सकते हो, ये क्या बन गया, एक इनफाइनाइट जीपी बच्चों, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ए बाय वन माइनस आर, टू के इक्वल, ए बाय वन माइनस आर लग गया बच्चों, क्या ये समझ आया? अब यहां से एफ ऑफ वन सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू बाय थ्री, देखो ऑटोमेटिकली, समझ पा रहे हो ना, कॉमन रेशियो भी वन से छोटी आई, मॉड आर लेस देन माइनस वन टू वन होना चाहिए, क्या समझ पा रहे हो बेटा अप्रोच को, आर यू गेटिंग द अप्रोच, यस और नो? यस सर। यस सर। पक्की बात, ठीक है, एफ ऑफ वन टू बाई थ्री आ गया, बस अब हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ फोर निकालना है, एफ ऑफ टू निकालना है, एफ ऑफ फोर को कैसे लिख सकते हैं, हाँ भी प्रभ सिमरन बता, f of 4 को कैसे लिखूं, कीरत बताओ बेटा f of 4 को क्या लिखूं,
एफ ऑफ वन की पावर चार यार, एफ ऑफ टू को क्या लिखूं, एफ ऑफ वन की पावर टू, दो पावर तो कट जाएंगी तो क्या बच गया, टू बाय थ्री का पावर टू आंसर आ जाएगा, फोर बाय नाइन पर चेक कर लो आंसर यही होगा पक्का। यस सर। क्या समझ आया प्यारे बच्चों सबको? यस सर। देखो क्वेश्चन चाहे दो समझ लो पूरे लेक्चर में, बट ये अब ऐसे समझने हमें कि आईआईटी के पेपर में, मेंस के पेपर में जब ये आ जाए हमारे दिमाग में सीधा ये पेज आ जाए, अच्छा ऐसे करना है, बात समझ रहे हो? इतनी शिद्दत से पढ़ो, चाहे 10 मिनट पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी को नहीं दिखाना। क्या ये अप्रोच समझ आई, मशीन को समझने का तरीका समझ आया? किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। नो सर। तो चलो अगला क्वेश्चन। एक बच्चा मुझे बता दिया करो यार डाउट, वो नंबरिंग पेज फोल्ड करना पड़ता है। सर 84 है। 84 है नंबरिंग, नंबरिंग से बताइए थोड़ा। yes, लिख लियो 83 हो गया, अब 84 है, ठीक है 84 दो बार हो जाएगा फिर अपना 84। चलो बच्चों 84 क्वेश्चन पढ़ो, जिसका हो गया वो भी करो। लेट ए बी सी एंड डी पी, बेटा होना चाहिए था, आई मस्ट से दिस मस्ट बी डन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अब जिसका हो गया बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिमाग लगाना चाहिए था। आरडी का क्वेश्चन है, आरडी का क्वेश्चन है ये, और देख लो 2020 में आया हुआ है। यस सर। और जिस बुक को आप लोग कहते हो ना कि सर मुझे सलाह देते हो कि सर आरडी नहीं करनी, देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए बी सी डी पी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, ठीक है जी, और ये इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू पी स्क्वायर। क्या किसी को कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर दिख रहे हैं, टर्म्स क्लब कर पा रहे हो? यस। ए बी बी सी ये इनटू पी प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का, कोई देवी इसको कर पा रही है देवियों में से कोई भी? यस सर। स्नेहा, इशिता, yes. दिव्यांशी, क्या दिख रहा है बेटा टर्म्स को कैसे इकट्ठी करें? देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिखे ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस टू ए बी पी, और यहां से लिखते हैं प्लस का बी स्क्वायर, थोड़ा सोचने वाली बात है। और यहां से अब ये वाली टर्म उठाते हैं बी स्क्वायर पी स्क्वायर, यहां से उठाते हैं माइनस टू बी सी पी, और यहां से कौन सी उठानी पड़ेगी सी स्क्वायर, देखो दिख गई, और फिर यहां पे बच गया सी स्क्वायर पी स्क्वायर, यहां पे माइनस टू ए सी पी, और यहां से प्लस का डी स्क्वायर। देखो क्या ये बात समझ आया सबको, मैंने टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, अच्छी अच्छी टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया थोड़ा सा, लाइक किस वे में, कि कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर के वे में। अब ये बच्चों बताओ क्या बन रहा है, क्या दिख रहा है सबको? ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? वेरी गुड। क्या ये दिख गया सबको? यहां तक पहुंचो पहले सारे, अच्छे से नोट्स बनाओ इनके अच्छे से। इज दिस क्लियर बच्चों? वेरी गुड वंश बंसल। विभा आप बताओ बेटा क्या करें? विभा बताओ, विभा सोबिन बता भाई, मिस्टर सोबिन अरे यार कोई बोलता ही नहीं है। चंदन सिंगला, यस सर, बताओ बेटा क्या लग रहा है अब? यही बता दे कि सर पता नहीं लग रहा, रहने दो मैं एनर्जी तो ना लगाऊं अपनी, यस नो तो बोल सकते हो यार, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कह रहा आपको। कैसे ही अच्छा बैच बनेगा आप खुद बताइए,
इज इट पॉसिबल? अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर नहीं आता तो बोल दो सर नहीं आता, आप बता दो। तो भाई ठीक है, किरत तुम बताओ बेटा। सर हमें कर्ली अकेली को जीरो के इक्वल रखेंगे। वेरी गुड, क्योंकि देखो तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो नहीं हो सकता, तभी पॉसिबल है जब ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए। तो AP माइनस B इक्वल्स टू जीरो, BP माइनस C इक्वल्स टू जीरो, CP माइनस D इक्वल्स टू जीरो। और यहां से आ गया P इज इक्वल्स टू B बाय A, P इज इक्वल्स टू C बाय B, P इज इक्वल्स टू D बाय C। तब आप देख लो कॉमन रेशो में दिख रहे हैं कि B बाय A, C बाय B, D बाय C, A B C D किस में आ गए? GP में आ गए। पढ़ना चाहिए बेटा आप लोगों को, ए बी सी डी जीपी में आ गए। क्या बात समझ पाए? Yes, sir. विभा तुम तो अच्छी पढ़ती हो बेटा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मिसेस विभा, मिस विभा बताओ। शुभांग तुझे समझ आ रहा है? Yes, sir. शुभम कांसल? Yes, sir. रिष्टि तुम्हें समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. प्राची? Yes, sir. सच बोल रही हो ना? Yes, sir. मनिंदर सिंह? Yes, sir. अगला क्वेश्चन कौन सा? 88 है। 88, sir. 88 करो, 88 पढ़िए बच्चों सारे, और सभी वीडियो ऑन करो, ये कंपलसरी अब, अदरवाइज आई एम गोइंग टू लीव द क्लास। कम ऑन अक्षय सिंगला, तुम्हें समझ आ गया ना मैंने क्या कहा? रब सिमरन? विभा, युवराज, तुषार रंजन दास, सोबिन, स्नेहा? Yes, sir. वीडियो ऑन बेटा। अनिकेत तिवारी? चलो 88 क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज एस, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी एस के इक्वल है। देखो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एस के इक्वल है, ये बात समझ रहे हो? और अगली एंड देयर प्रोडक्ट इज 27, देन ऑल सच एस लाइज इन एंड देयर प्रोडक्ट इज 27। तो मैं इसको ऐसे ना कर लू, ए ए बाय आर ऐसे मान के कर लेना। yes. तीन नंबर्स एपी में ऐसे मान ले, ज्यादा इजी रहेगा। तीन नंबर्स जीपी में, अच्छा एक इक्वेशन तो दी हुई है, इन तीनों का सम है हमारे पास एस के इक्वल, और इनका प्रोडक्ट मतलब ए बाय आर इंटू ए इंटू ए आर 27 के इक्वल। yes, तो ए क्यूब 27 के इक्वल, ए 3 के इक्वल, ये समझ गए? yes, अब हमारे पास इक्वेशन बन गई 3 बाय आर प्लस 3 प्लस 3 आर इज इक्वल्स टू एस, ये बात ठीक है? yes, sir. उन्होंने कहा है कि एस कहां से कहां तक लाई करेगा। सीधी सी बात है, जब तक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो ना, तीन कॉमन निकाल लो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 by r plus 1 plus r, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है, फिर इतना तो समझ ही लो। ये क्या बन गया? r square plus r plus 1 by r s, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3r square plus 3r plus 3 is equals to r into s, क्वाड्रेटिक बनाओ r में, 3r square plus r into 3 minus s plus 3 equals to 0, क्या यहां तक सारे पहुंच पाए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r, देखो ये चीज s की हम कहां से कहां तक वैल्यूज रख सकते हैं भाई, जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए, बात समझ रहे हो ना? इसके रूट्स आने चाहिए, रियल रूट्स।
अच्छा ये बात मुझे लगता है अभी थोड़ा हजम नहीं कर पाएंगे जल्दी जल्दी आप लोग। देखो ध्यान से समझ लो, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू a। इन्होंने कहा है कि a की क्या क्या वैल्यूज रखें, a की क्या क्या वैल्यूज रखें। अच्छा अब x के मेरे आंसर आने चाहिए, ये बात समझ रहे हो ना, x का कुछ आंसर आना चाहिए। अगर x का आंसर क्या आएगा, आप सोच के देखो, आप इसको रख लो मान लो जीरो। नहीं नहीं फिर तो आ ही जाएगा, मैं तो चाहता हूँ एक ऐसा नंबर रखवा दूं आप लोगों से 117 से। रुक जा मेरे भाई रुक जा, एक्स को माइनस फोर रख, ए को माइनस फोर रखो, चेक करो क्या क्वाड्रेटिक बनेगी। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये बन गई बच्चों। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो कितना आ रहा है, क्या इसके रूट्स आ रहे हैं रियल? नो सर नहीं आ रहे, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया। तो मतलब हमें ए की वो वैल्यूज रख के देखनी पड़ेंगी जहां पे इस क्वाड्रेटिक जो एक बना करेगी हर बार डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा रे, ग्रेटर देन 0। Yes. ए के तो वैल्यू चेक करने से तो अच्छा है कि एस को एस ही रख लूं, फिर एक क्वाड्रेटिक बना ली नेट मैंने। अब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर देता हूं तो वो एस के ही आंसर्स आ जाएंगे ना, क्या समझ पा रहे हो? यस सर। हां जी मनवीर सिंह जी बोलिए, नो प्रॉब्लम, खुल के बोलो। सर मैंने सर ऐसे किया था जो सर वो आपने क्वेश्चन लिखी है 3 कॉमन निकाल के उसमें सर 1 अपॉन r प्लस r की वैल्यू जब r पॉजिटिव होगा तो मिनिमम 2 हो सकती है, ठीक है? तो सर वहां पे हमारे पास s की मिनिमम वैल्यू 9 आ जाएगी जब r पॉजिटिव होगा, ठीक है? और सर जब r नेगेटिव होगा तो हमारे पास s की मिनिमम मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो सर उसके पीछे आगे वो हाँ, तो सही आंसर आया होगा तेरा। मैंने भी सर यही किया। यस सर बिल्कुल सही किया, एक नया कंसेप्ट पता लग गया आज। यस सर और मुझे भी, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही किया मनवीर, शाबाश। मैंने भी सर ऐसे किया। अरे शाबाश सर, टॉफी दूंगा जब मिलेगा, ठीक है? याद रखियो तेरा लैपटॉप टूट गया था, जुड़ गया ऊपर ही बैठ गया था क्या उसके? नहीं सर वो टेबल पे पड़ा हुआ था सर, टेबल से गिर गया मैं। अच्छा मुझे लगा तू बैठ गया। नहीं बैठ गया। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, ये कंसेप्ट समझ आया मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था? बताओ सभी ध्यान से बताओ, कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो। प्रभ सिमरन देख समझ आया, इससे रिलेट कर पा रहे है? यस सर। वेरी गुड। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करके इक्वेशन बनाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू भी 0 कर दें। यस सर हमें तो रियल रूट्स ही चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कर लो यार, 3 माइनस एस का स्क्वायर 4 × 12 = 36। इसको कैसे लिखें, 3 माइनस एस का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ये तो पता लग गया आप सबको। yes. Yes. इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा 101%। देखो बेटा स्नेहा समझ आया सबको? Yes. सबको क्लियर हो गया बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन था। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे दिमाग वाली बात है, ये ट्रिक है क्वेश्चन की कि क्वाड्रेटिक बनानी। और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझो, जिसको नहीं आया खुल के पूछो। दिव्यांशी दीक्षा गर्ग यस सर बेटा समझ आ गया? ततानूर समझ आ गया इसको तो? यस सर। ध्रुव गर्ग समझ आ गया? यस सर। ठीक है हनी सिंह समझ आ गया? यस सर। बेटा कोई कुछ पूछना चाहता है खुल के पूछ लो, आई विल रिपीट अगेन, बट आज के बाद ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए पेपर में भी, IIT JEE में भी, मेंस में भी, ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए। अब आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कशन करने का यही मतलब होता है, नई अप्रोच को सीखना। आगे क्वेश्चन बोलो कौन सा सर? 89 अगला ही है।
तो सबके डाउट्स बोल रहे हैं ना, जो भी बच्चा ये बोल रहा है। यस सर, एक बार पेज दिखा दो 92 के बाद में लिखे नहीं। दो मिनट रुक जाओ, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ है। ये लिख ले यार एक बार सारे अपना, इधर से कौन कौन से हो गए, 88 हो गया, ठीक है लिख लिए, 84 भी हो गया, 89 भी कर दें, वो तो वैसे बड़ा विश्वास है यार तुझे, लिख लिए अगर मुझसे ना हुआ तो टीचर से तो हो ही जाएगा। अरे ऐसा बहम है तेरा, मैं हर चीज मान के चलता हूँ, नहीं हो जाए जरूरी थोड़ी टीचर से हो जाए, लिख लिए मैं टीचर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है वंश, बल्कि उस चीज को करके मजा आता है जो ना हो ये, तभी तो सीखेंगे। देखो मॉड एक्स लेस देन वन है, मॉड वाई लेस देन वन है, आपको क्या लगता है ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी हुई है? इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी, वेरी गुड, इनफाइनाइट जीपी के लिए, क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बोला हुआ है तो जीपी जूपी कुछ दिखेगी अपने को, वो सिद्धि तो दिख नहीं रही, तो देखते हैं क्या बनता है। बट दिमाग में कुछ ऐसे आ रहा है कि x प्लस माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले कुछ, अगर क्या कहते हो? यस यस आरडी में किया था, यस यस, तो आते हैं आरडी के क्वेश्चंस। यस यस सर, तो प्लीज मुझे एडवाइस करना बंद कर देना कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। बताओ इसको कैसे करेंगे, खुद सोचो अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड x माइनस वाई, वेरी गुड, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई, x माइनस वाई से डिवाइड, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेटा इंटरेस्ट बनाओ क्लास में, पढ़ो थोड़ा ध्यान लगा के। अब क्या करें, अंदर वाले को अंदर ले जाएं, ये ऊपर वाले न्यूमिनेटर को, 1 बाय x माइनस वाई, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ भी प्रभ सिमरन, यहाँ पे क्या बनेगा सेकंड टर्म के साथ, सोच के देख, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या होता है? बोल बेटा, नहीं आता तो भी बोल दे, सर आता नहीं, शर्म की क्या बात, अरे वो तो क्लास ही नहीं। किरत तुम बताओ बेटा क्या बनेगा, निकिता बताएगी, ये बता देगी, अरे निकिता, x क्यूब माइनस y क्यूब, शाबाश, ये गधों सीख लो, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, भी ये होता है। और अगली टर्म क्या बनेगी निकिता, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, शाबाश, ऐसे चलता चलेगा, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो 1 बाय x माइनस y, इन टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, x स्क्वायर x क्यूब प्लस x की पावर 4। हाँ भी परीक्षित आगे क्या करेंगे, अब परीक्षित तू बोल नहीं रहा, पहले मैं बताऊं करी जा रहा था, प्रॉब्लम है क्या जब मैं पूछ लेता हूं किसी को? नो सर, सिंपल ही फॉर्मूला लगाना है यार, इसमें दिक्कत ही क्या होनी चाहिए किसी को? वो तो क्लास में ही है, उसका शायद लीव होगा, क्लास में ही नहीं है, पहले तो मैं करूं 100 बार वो मुझे मैसेज कर देता है सिर्फ इसी चक्कर में, मैं करूं सर, नेट बोल रहा है, तू चल यहां से, नेट बोल रहा हूं, ठीक इशिता बताएगी क्या करें, इशिता सर x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x, वेरी गुड भाई, जीपी लग गई a बाय 1 माइनस r, a बाय माइनस, इसमें निकिता सॉरी इशिता सर y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y, वेरी गुड, सॉल्व कर लोगे, तो ये भी करके दूं, कर लेंगे सर, करना सॉल्व यार इसको, एलसीएम लेके, और देखो इन्होंने एक्स वाई के इक्वल क्यों लिखा हुआ है, अभी एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो फिर नॉट डिफाइन बन जाता है। yes, ना मैथ में हर छोटी से छोटी चीज का मीनिंग होता है बेटा, ऐसी बकवास कुछ नहीं लिखा होता।
कोई एलसीएम ले लो अगर आता लेना। ऑप्शन है क्या ऐसे ही सीधा के सॉल्व करके बताया हुआ? सॉल्व करके बताया। अरे यार ये कौन करेगा? सर बी ऑप्शन आ रही है। बी ऑप्शन बन रहा है। बन गई, चेक कर लो एक बार। यस यस सर कर देते हैं। वैसे तो फैक्टराइज दिख रहा है x माइनस y, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x, x माइनस y, 1 माइनस x, 1 माइनस y। ठीक है बच्चों, अब इन टर्म्स को इकट्ठा रखें, x प्लस y, x माइनस y, भाई ये तो अब सबको आना चाहिए। इसमें से क्या कॉमन निकालने, माइनस का x1 और एक x बच गया, एक y बच गया, तो x माइनस y, 1 माइनस x, 1 माइनस y। अब आप थोड़ा सा तो दिमाग लगाओगे कि ये कट जाएगा कॉमन निकल के, तो ये बच गया भाई x प्लस y माइनस एक्स वाई, यही है। Yes, sir. Yes, sir. डन, समझ आ गया ना सबको? सर बोलिए बोलिए बोलिए, दो मिनट। मतलब जैसे कि ये जीपी बन रही है सर, तो मैंने डायरेक्टली मतलब सीधा ये जीपी का फॉर्मूला लगा दिया था, इनफिनिट जीपी का, तो फिर मैंने मतलब यस सर, सर फिर मैंने मतलब ऊपर नीचे दोनों में प्लस एक्स वाई प्लस कर दिया था। सर मेरा आंसर तो आ रहा है, मतलब बस साइन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। नहीं बेटा, सीधा जीपी नहीं बन रही। सीधा जीपी कैसे बन रही है आप बताओ? देखो पहली टर्म एक्स प्लस वाई, अगली टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, समझ रही हो? ये वाली चल गया, आ गया सर। ओके सर, पक्की बात है? यस सर, मैंने वो 2x काम कर लिया था। जा तो एक काम कर सकते हैं, देखो अगर आपको ऐसे करना है जो कि एडवाइजेबल नहीं है, इस x को, इस x स्क्वायर को, इस x क्यूब को, इस x की पावर 4 को एक जीपी बना लो, y को, y स्क्वायर, y क्यूब को, बट बहुत लेंथी जाएगा, फिर वो टर्म्स का जोल मोल हो जाएगा, समझ रही हो? यस सर। अरे तुम कहीं मतलब बाहर बैठ के क्लास लगा रही हो क्या? सर एक्चुअली माइक में प्रॉब्लम है थोड़ी। अच्छा, नेचुरल माइक में जा, फिर जो लगा हुआ है मतलब सर, जो लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो जाएगी, मुझे लगा नेचुरल में ही। चलो भैया अगला क्वेश्चन कौन सा? 90 है सर। 90 है अगला, ये है ये बोल सर, सारी कर दो हम लोग तो गधे हैं। S be the sum of first 9 terms of the series, अच्छा where this S is equals to this then K is equals to, अच्छा जी कर देंगे। देखो भाई x प्लस के ए पहली टर्म है, अगली टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 2 इंटू ए। ठीक है बेटा, डरो मत क्वेश्चन को, पॉजिटिव एनर्जी से करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा कल कर लेंगे। x3 प्लस के प्लस 4 इंटू ए, ठीक है अप टू सो ऑन, ऐसे कुछ टर्म्स हैं, हम ऐसे निकालते हैं फर्स्ट 9 टर्म्स का सम। तो पहले तो टर्म्स कुछ नहीं दिख रही ना एपी ना जीपी, पर बनाएं कुछ इन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इनको इकट्ठा कर लें बेटा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब चलते चलते एक्स 9 तक चलेगा। क्या ये बात समझ आया पहला स्टेप? यस यस। अच्छा yes. यहाँ पे के ए के प्लस 2 ए के प्लस 4 ए ऐसे कर लें, के प्लस 2 ए, मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, k प्लस 4a, अगली टर्म बताओ 6 आएगा, k प्लस 6a, इवन नंबर्स लिखे हुए हैं ना, अप टू सो ऑन, 9 टर्म्स हैं ये टोटल। अगर किसी को एंड वाली समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, 9 टर्म्स ये तो लिख लो कि टोटल 9 है भाई, ये भी टोटल 9 टर्म्स है। अच्छा अब यहां पे देखो बच्चों, जीपी दिख रही है? यस यस, इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, क्या कहते हो? ठीक है ये? यस सर जीपी। अच्छा अब यहां पे फिर दिक्कत हो गई, क्या दिख रहा है सबको? वैसे तो दिख गया होगा, क्या ये के ए के प्लस टू ए के प्लस फोर ए,
एपी है एजीपी है एजीपी कैसे होगी वो गधे एजीपी भी बन रही है सर किस कांस्टेंट जीपी है एपी भी बन सकती अगर मैं कुछ बोल दूं तो तुझे सही नहीं लगेगा है ना बोलूं बोल दो सर बोल दूं मैसेज करता हूं चल तू यार तू पागल है कि लोगों को बना रहा है अब तू ये कहने की कोशिश कर रहा है पता है मुझे क्या एक दो तीन चार सर ये एपी तो है बट एजीपी भी कह लो क्योंकि साथ में वन मल्टीप्लाई हो रहा है मैंने तो एक कॉमन निकाल दिया ये देखो बेटा सिंपल एपी है यार सिंपल एपी दिख रही है एक कॉमन निकाल लो चाहे इसको ऐसे लिख लो k पहली टर्म फिर k प्लस टू अगली टर्म ऐसे चलते चलते नाइन टर्म्स हैं फिर क्या दिख गया फर्स्ट टर्म सम कर दो भाई इनका नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टू टू टाइम्स k n माइनस वन नाइन माइनस वन और कॉमन डिफरेंस है टू का क्या समझ आ रहा है देखो बेटा ये समझ आया yes. का yes, sir. अब टू कॉमन निकल के कट जाएगा यहां पे क्या बना 9k plus 72 है और 9 minus 1 8 हां तो 72 बन गया और यहां पे बन गया x into x की पावर 9 minus 1 बटा x minus अब कंपेयर करेंगे हम ठीक है बट जो चीज इन्होंने गिवन है उस फॉर्म में बना लो इन्होंने x minus 1 LCM लिया हुआ है भाई चलो इसको उस फॉर्म में बनाओ आप खुद से स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं इसको करो समझ के क्या सबको समझ आया बेटा ये जयंत yes, सिंह खन्ना समझ आया yes, sir. कुशल छाबड़ा यस yes, सर मनन समझ आ गया यस yes, सर भाई पढ़ रहा है कि गाने सुन रहे हैं अगर गाने सुनने हैं तो मत पढ़ क्यों फीस भरी है मैं आपको बता दूं ये नॉन मेडिकल वाला रास्ता आसान नहीं है हाँ इसमें फ्रूट बहुत अच्छा है बट आसान बिल्कुल नहीं है अपने आप को धोखा देना बंद कर दो सारे बाकी आपकी मर्जी एलसीएम लो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं x की पावर 10 माइनस x यहां पे 9ak प्लस 72a इनटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 भाई अब कंपेयर करके खुद आंसर निकालो yes. मैं नहीं करने वाला माइनस 3 आएगा माइनस 3 वो आप लोग देखो x माइनस 1 का ये minus. देखो कंपेयर करना आप बिल्कुल सिंपल उसी फॉर्म में बन गया तो ये टर्म किसके इक्वल दिख रही है सबको 45A. This term must be 45A according to question. तो 9A k plus 72A is equals to 45A. AA तो कट जाएगा. तो 9K is equals to 45 minus 72. Minus 27. तो 9K is equals to minus 27. K must be minus 3. क्या बच्चों समझ आया सबको yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में तो यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन में तो यही ट्रिक थी भाई जो लोग पढ़ेंगे वही मुझसे एक्सपेक्ट करें आईआईटी जेई की ट्रू प्रेपरेशन सर सर इसमें मैं सर ए बाय एन एक्स टर्म बनाने गया सो वो बन गई वो ठीक आ गई लेकिन उसके बाद सर सम में प्रॉब्लम आई अरे एनथ टर्म लगा के समीशन लगा दे बात तो एक ही है आ जाएगा दोबारा करके देखियो एक बार बिल्कुल ठीक है एनथ टर्म मैं बता देता हूँ क्या बनेगी x की पावर n प्लस k प्लस n माइनस 1 2 इनटू n माइनस 1 इनटू a बिल्कुल ठीक है इस पे समीशन लगा अब 1 टू n तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा ओके सर a को कांस्टेंट मानना है k को कांस्टेंट मानना है सिर्फ x वेरी करेगा ओके सर ठीक है ये भी सही मेथड है
बल्कि मैं तो कहूंगा अच्छा मेथड, इस पे ज्यादा मेहनत। अरे सर आप बहुत इंटेलिजेंट। अब इसमें क्या पता है मैंने ऐसे क्यों किया, वैसे मेरे दिमाग में था, उसमें तुम लोग समीशन में फिर उलझ जाओगे। अभी स्टार्टिंग है ना तो लिख के कर लो, लिख के बेटर है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 93 है सर। 93 है, 92 हो गया सबका? यस 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 सर। इशिता कर लिया? यस सर। वेरी गुड। जितेंद्र हो गया? यस सर। क्या बात, कभी कभी तो लगता है तुम लोग पढ़ते ही बहुत हो, कभी कभी लगता है कुछ करते ही नहीं। 93 करते हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, समीशन इन्होंने यही लिख दिया, n 0 टू इनफिनिटी है, बस n यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और हमें दे दिया माइनस वन की पावर n, अब तो हम कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, 2 की पावर n थीटा और y ये है, बताओ ये क्वेश्चन बनना चाहिए। अब करो भाई, पहले x को सॉल्व करो क्या बनेगा, पहली टर्म बनाओ 1 बनेगी, अगली टर्म माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, अगली टर्म प्लस का टेन की पावर 4 थीटा, ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स। ये क्या बन गया, एक इनफाइनाइट जी, इनफाइनाइट जीपी का सम और कॉमन रेशो नेगेटिव में है। यस सर। माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो एक्स बन गया ए बाय 1 माइनस आर, तो आर खुद नेगेटिव में था तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नो आती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंट स्क्वायर थीटा, सेकेंट स्क्वायर थीटा, तो एक्स कितना आ गया, कॉस थीटा, कॉस। चलो वाई निकाल के दिखाओ खुद से, कम ऑन गाइस। और टेस्ट लेने का मतलब यही होता है कि आप मन से तैयारी करो, मन से टेस्ट दो, मन से, और जो काम मन से होते हैं उसमें भगवान भी साथ देते हैं। हाँ भाई, अरे यार तुम लोग ना बताते नहीं, हर्षिता बताए, हर्षिता बताओ कैसे करें। वाई क्या लिखा हुआ है इन्होंने, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट थीटा ही लिख दिया सिंपल। समीशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी कॉस की पावर 2n थीटा। हर्षिता आई नहीं आज सर, इसको हम आई हूं सर, आई हूं। 1 + cos² θ + cos 4θ ऐसे अप टू सो ऑन लगेगा, और इनफिनिट जीपी का फॉर्मूला लगेगा a बाय 1 माइनस r, तो ये क्या बन गया बेटा सर, ये secant sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा और फिर cosecant स्क्वायर थीटा आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, cosecant स्क्वायर थीटा आ गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, और क्या मुझे कोई कोई भी बच्चा वैसे कोई तो वैसे बता देंगे, आप में से 10-12 तो तेज हैं, थीटा 0 से पाई बाय 4 देने का क्या मतलब है, बता सकता है कोई भी? यस सर साइंस। यस सर। मैं पूछूं, लक्की गर्ग ये बताएगा, थीटा 0 से पाई बाय 4 क्यों दिया हुआ है, क्या बता सकते हो? क्वेश्चन आपके सामने है सर, क्वाड्रेंट साइन के कर, नहीं नहीं ये थीटा दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में थीटा 0 टू पाई बाय 4 के बीच में, वैसे तो क्वेश्चन हो गया। चल अभी छोड़, आप एक्स आ गया वाई आ गया, बताओ क्या बनेगा आंसर, ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी, ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी, तो कौन सी ऑप्शन बन गई, सी ऑप्शन बन गई। इसका तो कहीं यूज ही नहीं आया, तो ये दिया क्यों हुआ था, क्या पागल थे जिन्होंने दिया? क्वेश्चन का आंसर तो सीधा ही आ गया, मेरी बात समझे, क्या फॉलो कर पा रहे हो? यस। नहीं रुक जाओ तो, हाँ अब बताओ ये क्यों दिया हुआ है, वाय इसका कारण क्या है, जा तो पागल लोग हैं जिन्होंने बनाई, भाई लिखने का कोई कारण तो होगा, और यूज कहीं आया नहीं,
क्या सोचते हो भाई तुम लोग सर? लकी हाँ बता रहे सर, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू जब थीटा 45 डिग्री से बड़ा हो सर, तो tan वो 1 से बड़ा चला जाएगा सर, तो फिर कॉमन रेशियो 1 से बड़ी होगी। अरे बिल्कुल सही बताया लड़के ने, क्योंकि tan थीटा अगर 0 से पाई बाय 4 के बीच में है तो जो tan की वैल्यू है वो भी तो 0 और 1 के बीच में रहेगी। yes, तभी तो आप फार्मूला लगा सकते थे, तभी तो a/(1-r) लगा गदो, मुंह उठा के नहीं लगाना होता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? देखो जेई मेंस में आप ना भी करो चल जाएगा, बट अब जब आईआईटी की तैयारी का हम करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों पे ही क्वेश्चंस बनते हैं, इन छोटी छोटी बातों पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब जिनको ग्राफ बनाने में इंटरेस्ट है और जो आईआईटी वाईटी को बड़े मन से चाहते हैं वो लोग इनका ग्राफ बना के लाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, और मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं तो सबने रोना नहीं है कि सर हमें तो आता नहीं। वाई इज इक्वल्स टू कॉसिकेंड थीटा, y is equals to secant theta, इसी से मुझे भी पता लगता रहेगा ना कि मुझे किस किस बच्चे पे काम करना है। अब जो जो ग्रुप में बनाता है तुम्हें क्या लगता है मैं ग्रुप में देखता नहीं हूं कि कौन क्या कर रहा है? अरे जब तुम लोग होमवर्क डन लिखते हो तो मुझे पता लग जाता है भाई, मैं भी एक लिस्ट बना रहा हूं कि कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन काम कर रहा है, तो आप लोगों को मुझे बताना भी है कि हमने काम कर लिया। अब जो ये ग्राफ बना के ग्रुप में पोस्ट करेगा और जो हमने पहले किया मतलब वो सही काम कर रहा है, बात समझ रहे हो ना? ये कंपलसरी नहीं है, बट दिस इज नॉट कंपलसरी फॉर नाउ। आगे बढ़े। यस सर। अगला क्वेश्चन कौन सा? 94। अगला ही है। ये क्या लिखा हुआ है वो? 5x मिसप्रिंट है यार, छोड़ दो, मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन देख के बता दूंगा क्या है। पूछी है वो गलत है, हाँ ठीक है रेशो लिखी है, ये भी बता दूंगा। इंटरनेट से देख के पता करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या आया था एग्जैक्टली मेंस के पेपर में 2020 में, चेक करके बता दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, डोंट वरी। और बताओ, करेक्शन इसमें भी करवा दूंगा 94 में। आगे बढ़े, लिख लो 94 पे करेक्शन। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन पी जाना बेटा कल टेस्ट के लिए, एक एक क्वेश्चन को ऐसे पी जाना कि बस आंखें बंद करके सॉल्व हो जाए। यस सर। अब मैंने बता दिया है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, अभी भी नहीं करेंगे तो मूड ही होंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा? 96। क्या बात कर रहा है, सीधा 96 पे आ जाऊं? 96 पे आ जाऊं? अच्छा तो देखो 1+x^10 अगली टर्म दी हुई है, यहां पे मैं लिखता हूं x^0, साथ में x^1, 1+x^9, फिर x^2, फिर इसकी पावर कम हो रही है, 1 बढ़ रही है, क्या पैटर्न समझ पा रहे हो? यस सर। एक अच्छा इंजीनियर हमेशा प्रॉब्लम देख के सॉल्यूशन ढूंढता है, सॉल्यूशन क्या कहता है, पैटर्न को ढूंढो, कैसी प्रॉब्लम है, पैटर्न्स को पहचानो, क्या पकड़ पा रहे हो पैटर्न को? यस यस सर। वेरी गुड। और आखिरी वाली टर्म क्या आएगी, ऑब्वियसली चाहे इन्होंने मिसप्रिंट लिखा हुआ है बट हमें खुद से पता है कि 1+x^0 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। n, ये बात समझ रहे हो? यस यस सर। अब कोई ये बता सकता है ये टोटल कितनी टर्म्स होंगी? 11। वेरी गुड, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है ना, 0 x^1 x^10 तक जा रहा है, यहां से चेक कर लो या इससे चेक कर लो, 10, 9, 8 फिर 10 0 तक जा रहा है, टोटल 11 टर्म्स है, बस बच्चे यहां पे गलती कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आया बेटा सबको? बेटा पक्की बात है, समझ आ गया? यस सर। यस यस सर। अब क्या दिख गया, ये क्या है? जीपी। तो ठोक दो फॉर्मूला,
जीपी का फार्मूला टॉप दो। अच्छा यार ये तो नहीं, जीपी तो लग जाएगी बट आपको बाइनोमियल ही नहीं आती अभी। यस यस वो ही है। अरे ये इस पे लिख लो, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम में करवा दूंगा। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है वैसे, इसे बच्चे उलझ जाते हैं, ये फेवरेट क्वेश्चंस माने जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। इस पे लिख लो गुड क्वेश्चन एंड वी हैव टू डू दिस थिंग इन बाइनोमियल, और मुझे बाइनोमियल में याद भी करवा देना। वैसे तो बाइनोमियल की एक्सरसाइज में भी ये है बट आपको ये भी हम कर लेंगे तब। ठीक है, बाइनोमियल लगेगा इस पे भी, जीपी, जीपी के बाद बाइनोमियल लगेगी, तो हम अभी इसको बाइनोमियल के लिए छोड़ देते हैं। आगे बढ़ो। 97 क्वेश्चन बोल रहा है, 1 + 1 - 2² × 1 पैटर्न को समझते हैं, +1 - 4² × 3 +1 - 6² × 5 अप टू सो ऑन। कितनी टर्म्स हैं ये, चलता जाएगा चलता जाएगा। 1 - 20² × 19 ये बात। अच्छा अब पहले तो इसको निकालते हैं, फिर अल्फा और बीटा निकाल लेंगे कंपेयर करके। ठीक है, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ये अब क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए जी पी भी कुछ दिखे। पहले तो ऐसे करते हैं, 1 + 1 + 1 ये कितनी टर्म्स हैं टोटल, 11 टर्म्स आ गई, पक्की बात है। देखो इसको थोड़ा ऐसे चेंज करके लिख ले, 1 - 0² × 0 + 1 - 2² × 1 तो आपको ज्यादा फील आ जाएगी, 1 - 4² × 3 ऐसे चलते चलते 1 - 20² × 19 समझ गए ना, ये 0, 1, 3 ऐसे सोच लो 19 तक जा रहा है, तो 11 टर्म्स हैं, ऑड नंबर टर्म्स है ना सारी, ये जो ये चल रही हैं। चाहे इससे सोच लो 0, 2, 4, 20 तक 11 टर्म्स होंगी। अच्छा अब पैटर्न दिख गया होगा, अब तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी है कि ये 11 टर्म्स हैं, 1 + 1 + 1 सब में आएगा, 1 + 1 + 1 तो 11 बार 1 आएगा, 11 टाइम्स प्लस, या फिर माइनस करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, 0² × 0, 2² × 1, 4² × 3 up to so on 20² × 19 क्या ये बात समझ आया, 11 टर्म्स ही हैं। क्या पैटर्न समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों? Yes, sir. Very good. तो ये 1 + 1 = 11 बार ऐड होगा तो 11 बनेगा माइनस। अक्ष सिंगला तुम क्लास में हो? मर्जी है। अब देखो बेटा इसमें क्या करें, क्या कोई बता सकते हैं? एजीपी का भी एक जुगाड़ है अपने पास, एजीपी भी लगा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बताना, एजीपी लगा सकते नहीं है, एजीपी तो नहीं लगा पाएंगे। इसकी nth टर्म लिख के कर ले, nth टर्म लिख के। यस सर। nth टर्म देखो क्या बनेगी, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना अब हमारा टारगेट है। nth टर्म बनाओ भाई। मैं बताऊं सर? नहीं नहीं बना तो लेंगे सबको। nth टर्म बनाओ इसकी, पहले 0² 2² 4² इससे सोचो, ये तो बनेगा 2n² फिर 0 1 3 इससे सोचो, डोमेन को क्या बोल रहे, वो तो हम समीशन वेरी कर देंगे 0 से लेके 11 तक। पहली टर्म हटा दे तो 10 रह जाएंगी यार, कितनी गलत है। साथ में क्या बनेगा, 0 1 3 ये 0 1 3 से बना लो गदों, 2n - 1 यार 2n - 1 कैसे बन सकता है, मैं तो ये अगली टर्म की है कल, चुप कर इससे बनाओ भाई। nth टर्म क्या बनेगी, a + n - 1 × d
2n माइनस टू, क्या बात समझ रहे हो? जीरो इन टू जीरो का स्क्वायर माइनस वन ले लेंगे सर। जीरो वन थ्री में एपी नहीं बन रही, जीरो की जगह कुछ भी लिख सकते हैं सर, जीरो ही आएगा। हाँ वो तो ठीक है, तो फिर इस टर्म को ही छोड़ दो, इस टर्म को ही छोड़ दो, बिल्कुल सही है, इस टर्म को छोड़ने में ही फायदा है, क्यों कंफ्यूज होना है ना। तो ये सीधा लिख लेते हैं कि 1 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 4 स्क्वायर, चलते चलते 19 इंटू 20 का स्क्वायर, बस ये टोटल 10 टर्म्स हैं, बात समझ रहे हो? अब 10 टर्म्स रह गई ना, अब इसको कैसे करें? nth टर्म क्या दिख गई? 2n माइनस 1 इंटू 2n का स्क्वायर, ये समझ रहे हो? और समीशन कहां से कहां तक लगाना है? n को वेरी कराना है 1 से 10 तक, ये बात समझ रहे हो बेटा? ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। यस। सभी को समझ आ रही है? यस। वेरी गुड। अब हम क्या करें भाई? अब तो सॉल्व करना इजी है, ये बन गया 4n स्क्वायर 2n माइनस 1, समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू 10, इसको और सॉल्व कर लो, क्यूबिक बना लो, कितना बनेगा? 8n क्यूब माइनस 4n स्क्वायर, समीशन लगा दो, कर लोगे अब तो? यस सर। यस। और नेट सॉल्व कर लोगे, ये 11 बन गया, यहाँ पे माइनस का बताओ क्या बनेगा वैसे सॉल्व करके सारे खुद से? अरे रुक जा भाई यार, तेरे मैथ में पूरे नंबर तो आते नहीं है, तू कहता है तुझे सब आता है। अरे तू ये हर बार तो बोलता है, मैं बताऊं बोलने की जरूरत है? चाहे तो तेरे पूरे नंबर आने चाहिए ना, ये तो मानता है कि आने चाहिए। अरे बताओ बच्चों, सॉल्व भी तो करना है यार। n क्यूब, समीशन n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर n को 10 पुट कर देना। n स्क्वायर का क्या होता है? समीशन n स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, फिर n को 10 पुट कर देना। 10 तक लेके जाना है ना सम। और बेटा आज इन एक्सरसाइज को दोबारा से कर लेना, अभी इन डाउट्स को दोबारा से कर लो तो ये क्लियर होंगे, नहीं ये आपको लग रहा है कि आ गए, ये बहुत बड़ा वहम होगा आप लोगों का अगर आप लोगों ने इसको दोबारा से नहीं किया तो। अरे बताओ क्या बना सर? 22660। 22660 पक्की बात है? यस सर। पूरा सॉल्व करने के बाद है? Yes, sir, और उसके बाद सर, yes. 22 दोबारा बोलना बेटा। 22660। अच्छा, उसके बाद सर 220 कॉमन। 220 कॉमन आ रहा है यहाँ पे? यस yes, सर आ रहा है। 220 कॉमन निकाल। 103। अब कंपेयर करो, अल्फा माइनस 220 बीटा, अल्फा की वैल्यू 11, बीटा की वैल्यू 103। अच्छा 103 आ रहा है, तो बिट्टा की वैल्यू 1, तो पेयर बन गया, आंसर भी चेक कर लो। यही है। ठीक है, क्या समझ आ गया बेटा सबको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को बिना डरे? यस। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट मेंटल टफनेस, नथिंग एल्स। आगे 98 है। यस 98। चलो बेटा आप खुद से करो, कम ऑन कर सकते हो सारे, अब हमने ऐसा क्वेश्चन किया बस वहां पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे प्लस हो रहा है, सोच के देखो क्या बनेगा, खुद से सोचो, पहले भी किया था, एक फंक्शन दिया हुआ है आर से आर, सारे पूरी एनर्जी लगाओ क्वेश्चन के ऊपर, चाहे जिसका हो गया वो भी, और मशीन क्या बोल रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, मशीन तोड़ देती है एफ एक्स प्लस एफ वाई में, और इन्होंने बच्चों हमें दे दिया है कि x और y हम रियल नंबर से बिलोंग करवा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है,
सच डेट, ये पुट्ठे ए का मतलब होता है सच डेट, ठीक है, फॉर ऑल एक्स और वाई, इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल, इसको लिख लेना, सिंबल्स का पता होना चाहिए ना। और हमें दे दिया एफ ऑफ वन टू के इक्वल है, और जी ऑफ एन एक फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या कह रहा है बच्चों, समीशन के वेरीज फ्रॉम वन टू एन माइनस वन, और ये है एफ ऑफ के इक्वल, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं और सभी कर सकते हैं, सबसे इजी, देखने में डर लगता है बस। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन जी ऑफ एन 20 है, हमें जी ऑफ एन को 20 रखना है, पहले जी ऑफ एन तो निकाल लें, जी ऑफ एन को सोच के देखो क्या है, एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री अप टू सो ऑन एफ ऑफ एन माइनस वन, बात समझ रहे हो ना, ये जी ऑफ एन है। अब जी ऑफ एन पता लग गया, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते चलो, इसको मैं किसके इक्वल कर दूं, 20 के इक्वल कर दूं, यस सर, एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ एन माइनस वन 20 के इक्वल है, बात समझ रहे हो ना, ये एन माइनस वन टर्म्स हैं। क्या यहां तक समझ आया क्वेश्चन सबको, कुछ नहीं किया, yes. जो गिवन था वो लिखा है, जो गिवन था वो लिखा है, क्या देख लो सबको समझ आया, यस सर, क्लियर टू ऑल, यस और नो, यस सर, सभी देवियों को समझ आ गया, यस सर, वेरी गुड। अच्छा अब ये दिक्कत हो गई कि एफ वन तो जी चलो पता था कितना, टू, एफ टू कैसे निकाले, मशीन की हेल्प लो, yes. मशीन एक्स और वाई को क्या क्या पुट करोगे, बताओ थ्री टाइम्स बन गया सबका, यस यस सर, बस फिर हो गया क्वेश्चन, तो ये बना एफ ऑफ वन टू, फिर अगला है टू टाइम्स टू, फिर अगला है टू थ्री टाइम्स टू, समझ रहे हो ना, yes, चलता sir. जाएगा, एन माइनस वन टर्म्स है, टू कॉमन निकाल लूं सबसे, yes, तो वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सो ऑन एन माइनस वन टर्म्स है, इसके इक्वल 20 के, बन गया क्वेश्चन, हो गया सॉल्व, था इजी काम, बस क्वेश्चन yes. को देखते समय जिसके दिमाग में ये आ गया कि यार ये तो होता नहीं, जोर लगा लो, वो हो नहीं सकता, क्वेश्चन को देखते समय अगर ये हो गया कि हाँ नहीं करेंगे, कोई भी पावर आपको रोक नहीं सकती, कोई भी पावर आपको रोक नहीं पाएगी, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आप थोड़ा सब्जेक्ट के लिए डिवोटी हैं, नो पावर कैन स्टॉप यू। अरे लोग करते हैं यार आईआईटी में पहला रैंक भी तो लेते हैं, अगर किसी ने लिया तो तुम लोग भी ले सकते हो, अब ऐसा तो है नहीं।